भुट्टे की किस कहो या फिर गुजराती में इसे कहते हैं मकाई नो खींच। तो ये आज वही बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय द्वारकाधीश एवरीवन। तो आज हम भुट्टे की खींच बनाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिए हैं मकाई यानी कि भुट्टे, और करीब 2 किलो के करीब हमने यहाँ पे लिया है। फिर उसे ना हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है, और अब इसे इस तरह से हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, पर कट करके ना हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होगा और टेस्टी भी लगेगा। तो अब यहाँ पे हमने लिया है सिनेमोन का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि जो दालचीनी होती है ना उसका छोटा सा टुकड़ा किया है। यहाँ पर हमारी जो भुट्टा है ना वो भी अच्छे से कट हो चुका है, और दालचीनी को अच्छे से हमें पाउडर बना लेना है बिल्कुल इस तरह से बारीक। और जो हमने भुट्टा कट किया है उसे हम एक मिक्सर जार में ले लेंगे और उसकी एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, और इसके अंदर हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आप देख सकते हो ना कितनी सॉफ्ट सुंदर सी दिख रही है पेस्ट, इस तरह से बना लेंगे। और हमने यहाँ पे जो मकाई यूज़ किया है ना वो अमेरिकन मकाई है। अमेरिकन मकाई जो है ना वो टेस्ट में एकदम स्वीट होती है, तो जब भी आप मक्के की किस बनाओ तो उसी अमेरिकन मकाई से बनाना। तो अब हमने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, कढ़ाई भी गर्म करने रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने पे इसके अंदर डालेंगे जीरा। तो हमारे घर पे ना इसको हम लोग बोलते हैं मकाई नो चेवड़ो, तो आप भी इसको मकाई का चेवड़ा भी बोल सकते हो, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। जीरा डाल के हमने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा हींग और फिर अदरक और मिर्ची की पेस्ट ऐड कर दी है। अब इसे अच्छे से पका लेना है, और फिर इसके अंदर जो हमने भुट्टे का जो पल्प बनाया है ना, मतलब पेस्ट बनाई है, वो ऐड कर देनी है। आराम से ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ना वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो सारा का सारा पानी जो है ना वो जल जाए ना तब तक हमें इसे पकाना है। तो जो कंसिस्टेंसी आप इसकी देख रही है उसके अंदर ना पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है। तो ये जलेगा नहीं, पर इसको हमें अच्छे से सारी तरफ से कॉर्न को पका लेना है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिर अगर आप इसको खोल कर देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा नीचे जिस तला होता है ना वहाँ से ये पक चुका है, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारा का सारा जो पल्प है ना पेस्ट, उसे अच्छे से पका लेना है, जिससे कलर पूरा चेंज हो जाएगा। येलो कलर है ना थोड़ा सा डार्क येलो हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप कलर आ जाएगा। इसको ना हम 2 टाइप से बना सकते हैं, एक नमकीन और दूसरा स्वीट। तो अभी हम नमकीन वाला बना रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर का सारा पानी जो है ना वो जल चुका है, और साइड से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रिलीज होना चालू हो गया है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट हो चुकी है। अब ना इसे थोड़ी सी और देर के लिए पकाएंगे, और फिर इसके अंदर हमें दूध डालना है। तो दूध आप यहाँ पे ठंडा भी ऐड कर सकते हैं, पर गर्म ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा, जल्दी पकेगा थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे 2 किलो मकाई थी ना, तो हमने यहाँ पे 700 ग्राम दूध लिया है, तो 700 ग्राम इनफ रहेगा। और जो दूध है ना उसे हमें एक ही साथ सारा का सारा ऐड नहीं कर देना है, हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। हमारी जो मकाई है ना उसके अंदर अच्छे से दूध जब तक घुल ना जाए तब तक इसे पकाना है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, और थोड़ा पक जाए ना फिर उसके बाद हमें इसके आगे के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो मसाले वगैरह ऐड करना है वो अब ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा पक चुका है, इसके अंदर हम स्वाद अनुसार ऐड कर रहे हैं नमक। तो हम नमकीन वाला बना रहे हैं, चटपटा सा, तीखा मीठा सा, तो थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करेंगे जिससे कि स्वीटनेस आएगी ना, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खींच। तो हमने करीब यहाँ पे 3 चम्मच जितना शक्कर ऐड किया है, आप भी ऐड कर देना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब शक्कर और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे इसी तरह से शक्कर और नमक के साथ, और जब तक शक्कर घुल नहीं जाती ना पूरी की पूरी अंदर तब तक पकाना है। और जो बाकी का बचा हमारा दूध था वो भी ऐड कर देंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो धीरे धीरे से मिलाइएगा, क्योंकि ये ना इस तरफ बहुत उबलता है ना, तो हमारे ऊपर छींटे उड़े तो हम भी जल सकते हैं। तो धीरे धीरे आराम से हम इसे मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जो पहले एकदम येलोइश कलर था ना, उससे अब थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो चुका है। अब ये बहुत ही अच्छे से उबलने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर बुलबुले होने लगे हैं। अभी इसे थोड़ा और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा करना है हमें इसे।
तो सारा दूध जब हम इसके अंदर मिला लेंगे ना, तब आप देख सकते हो इसकी सरफेस जो है ना वो कितनी ग्लॉसी ग्लॉसी सी हो गई है। तो अब इसे थोड़ी देर और पकाना है और फिर उसकी दूसरी जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो और फिर ना इसके ऊपर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो छूटने लगा है। आपको ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे जहाँ पे आपको ऑयल दिखेगा ऊपर इसकी सरफेस पे। अब इसके अंदर हम तड़का लगाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे जो फ्राई पैन होता है तड़का पैन वो ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। अब ऑयल के अंदर हमें क्या करना है, ऑयल गर्म हो जाए ना तब इसके अंदर हमें किशमिश डालनी है। तो किशमिश को इस तरह से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है और अच्छी अच्छी फूली फूली सी लगती है। तो इसे जब तक कि ये पूरी फूल ना जाए ना तब तक इसे अच्छे से रोस्ट करना है। आप घी भी डाल सकते हो पर ऑयल में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए धीरे धीरे करके आप देख सकते हो हमारी जो किशमिश है ना वो फूलने लगी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काजू। तो काजू को हमने यहाँ पे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है वरना फिर वो एकदम पाउडर हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे से चंक्स हमारे मुंह में आए ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो काजू को भी अच्छे से ब्राउन हो जाने तक हम इस तरह के रोस्ट कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तिल। यहाँ पे हमने वाइट कलर के जो तिल होते हैं ना वो ऐड किए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे सारा, और फिर ये जो तड़का है ना उसे हम लगा लेंगे हमारे जो खीच है ना उसके अंदर ऐड कर देना है। तो सारा का सारा ऐड कर देना, आराम से ऐड करेंगे। और ये जो तिल है ना वो भी सारा डाल देना, क्योंकि ये जो रोस्टेड तिल होते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगता है खीच के अंदर। और अब इसके अंदर ऊपर से हम ऐड करेंगे जो हमने सिनेमोन का पाउडर बनाया था ना वो ऐड कर देना है। इसका ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, जिससे कि सारा जो हमने तड़का लगाया ना वो हमारे खीच के अंदर मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो ये कैसे अच्छे से उबल रहा है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 2 चम्मच नींबू का रस, जिससे कि थोड़ा सा खट्टा वाला टेस्ट आएगा। तो सारे ही फ्लेवर्स हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और अब इसके अंदर हमने तीखी हरी मिर्ची ऐड करी है छोटे टुकड़ों में काट के, ये भी आप डाल दीजिएगा या फिर आप तीखा ना खाते हो तो जो नॉर्मल वाली मिर्ची आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने तीखा मीठा खट्टा सारा फ्लेवर ऐड कर दिया है, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम फ्लेवरफुल लगता है। और ऊपर से दूध की कोई स्वादिष्ट मिठाई खा रहे हो ना वैसा टेस्ट आता है। तो हमारे घर में ना ये हर साल बनता है, जब भी हमारे घर पे मकाई आते हैं ना तब बनता है। और ये ना स्पेशली अमेरिकन मकाई जो होते हैं ना उसकी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि वो स्वीट होते हैं ना। तो जब भी आप इसे बनाओ आप अमेरिकन मकाई से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मुझे ट्राई करके कहिएगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।